औरंगजेब ने कहा इतना बड़ा विद्वान और हिंदू हिंदू नहीं कहना चाहता, जबरदस्ती उसने इस्लाम कबूल कराओ, अगर नहीं मान रहा उसको कत्ल कर दो। सभा देखो धार्मिक है, ऑर्डर कितना जालिमाना दिता जा रहा है, सबन मुलतवी हो गई। बहादुर शाह अपने महला में जा रहा है, बेशक भाई साहब भाई नंद लाल जी बहादुर शाह उनके टीचर ने अरबी फारसी संस्कृत सिखा रहे ने, लेकिन दोनों आपस में गहरे मित्र ने, फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी है आपस में। बहादुर शाह महला वाल जा रहा है, भाई साहब भाई नंद लाल जी उड़ीक रहे ने भी वधिया मीनिंग करके आया होगा, मेरे मित्र को भी इनाम देता होगा बादशाह ने, पर की देख रहे ने। बहादुर शाह का चेहरा उतरिया होया, भाई साहब जी ने पूछा तुसी कुरान के आयत से मीनिंग किते नहीं, कहा किते पसंद नहीं आए, क्या इतने पसंद, सारी सभा सुभान अल्लाह कर उठी, फिर चेहरा क्यों उतरिया होया है कि बादशाह ने इनाम नहीं दिता खुश होके, क्या नहीं जो बादशाह ने फरमान किया है उस कारण चेहरा उतरिया होया है। पूछा की ऑर्डर किया है आप जी दसो की ऑर्डर किया, हाँ अगर इस्लाम कबूल करता ठीक है नहीं तो कतल कर दो। जब दसिया बहादुर शाह ने भाई साहब भाई नंद लाल जी का भी चेहरा उतर दिया, अगर बहादुर शाह ने कहा भाई नंद लाल जी को मोटे से हाथ आके मेरे मित्र मैं नहीं चाहता जबरदस्ती तेरा धर्म बदलिया जाए, मैं ये भी नहीं चाहता कि तेन मार दिता जाए, मैं तेरी एक हेल्प करता हाँ, तेन मैं हवा नाल तेज दौड़ता घोड़ा दिता हाँ, इस दिन सवार होके तू निकल जा चलिया जा। भाई साहब जी निराश की करांगा घोड़े दे उत्ते सवार होके इतो जावांगा कितने, सारी जगह तो औरंगजेब का राज है, तेरे प्यो का मैं पकड़िया जावांगा मैं उत्थे ही मार दिता जाएगा, उस तरह तो इतने ही मर जाऊ धर्म है अपना बदलना नहीं। अगो बहादुर शाह ने कहा नहीं मेरे मित्र मैं तेन एह टिकाणा दसदा हाँ जिथे मेरे बाप का राज नहीं चलेगा और जिथे तेरे हिंदू धर्म की भी रखा होगी तेरी जिंद जान प्राण की भी रखा होगी। भाई साहब जी हैरान हिंदुस्तान में जान की कही जगह है और कौन करेगा तेरे हिंदू धर्म की रखा मेरी जिंद प्राण की। अगर बहादुर शाह ने कहा मेरे मित्र हवा नालों तेज दौड़ता घोड़ा लेके सवार हो गए इतों निकल जा, जा चलिया जा आनंदपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणों में। राज नहीं चलेगा और वो तेरे हिंदू धर्म की भी रखा करे तेरी जिंद जान प्राण की भी रखा करे। भाई साहब भाई नंद लाल जी अखा में चमक आ गई, ये आप वैष्णव पंथ के सन लेकिन इन्होंने पत्नी सिख धर्म में ही बिलोंग करती सी, रोज बाणी पढ़ती सी, तो प्रभाव सी पत्नी नंद जी का जीवन देख के बड़ी अखा में चमक आ गई, फिर हवा नालों तेज दौड़ता घोड़ा लेके सवार होके पहुंच गए ने आनंदपुर साहिब। उस दिन विसाखी का दिन है संगत जी, संतान का इतना इकट्ठ है, भाई साहब भाई नंद लाल जी ने जाके गुहार लाई गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणों में मेरे